पे है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं छत की। तो चलते हैं देखते हैं, शादी विवाह होने वाला है, साफ सफाई चल रही है। गमला सब कहाँ रखे? हाँ वहाँ पे तो सही है। क्या हो? नहीं खाए है? पति के खाने से पहले तुम खा रही हो। बाकी एक डाइनिंग हॉल और पीछे साइड से पेंट होने वाला है, और वैसे ये कंप्लीट है नहीं, अभी सिर्फ व्हाइट का चल रहा है। बाकी बर्फी ये सभी डिजाइन जितना भी है ना, सभी पेंट होना है अभी, तो इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। और बस 10 दिन बचे हुए हैं, 8 से 10 दिन बचे हुए शादी में। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे इस न्यू व्लॉग में। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला है। और अभी तो रूम की साफ सफाई कर दी है, किचन की साफ सफाई हो चुकी है, और आज स्पेशल डिश भी बनने वाला है, बथुआ का साग अभी चढ़ा के और पत्ता गोभी चढ़ा के आए। तो आलू पत्ता गोभी का सब्जी बनेगा और बथुआ का साग बनेगा। वैसे ही शिवांश को मम्मी लेके गई थी छत पे, तो वो इतना ज़्यादा चिल्लाने लगा था। वो जब भी छत पे जाता है तो ऐसी बदमाशी करता है। वहाँ पे मिट्टी, गमलों में मिट्टी रहता है, तो मिट्टी ऐसे ऐसे निकाल निकाल के और फिर देह पे फेंकने लगता है। तो मम्मी ज़बरदस्ती इसको पकड़ के नीचे लाए और ये एकदम चिल्ला के रो रहा था। तब कुछ खिलौने दिए, तब जाके चुप हुआ ये, और अभी यहाँ पे है। तो पतिदेव छत पे है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं छत की। तो चलते हैं देखते हैं, शादी विवाह होने वाला है तो साफ सफाई बहुत सारे काम हैं, तो देखते हैं कि क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है, यहाँ पे पूरे में गमले लगे हुए थे, तो शिवान जब भी आता था मिट्टी खेलता था, लेकिन बेचारा को अब मिट्टी मिलेगा ही नहीं। शादी के लिए हो रही है। हाँ, और शादी भी है तो छत की वैसे भी साफ़ सफाई हो रही है। यहाँ पे शादी होगी तो टेंट ये सब लगेगा पूरे में। गमला सब कहाँ रखे? हाँ वहाँ पे तो सही है। पूरे छत धोइएगा क्या? अच्छा, बस ये मिट्टी इधर बगल का साफ कर दीजिएगा, बस ये वाला मिट्टी इधर बगल साफ हो जाए भी है, तो उसके लिए भी सही है, साफ सुथरा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये भी साफ करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैंने तो पूरा झाड़ू लगा दिया था, लेकिन फिर से गंदा हो चुका है। तो आज बनने वाला है स्पेशल डिश, बथुआ का साग, वो भी इस सीजन में पहली बार। और इसको उबाल दिए हैं और इसको फ्राई करके बनाना है। मम्मी प्याज व्याज सब काट के और फ्राई करते हुए तो बनाना है। प्याज नहीं, लहसुन मिर्ची। अच्छा प्याज? अच्छा ऐसे ही सिंपल वाला, एक वो फ्राई वाला ना बनता है। फ्राई कौन देंगे तो हो जाएगा। हाँ कौन ये ऐसी इसी, पता है शिवांश भी ऐसे ही होता है। ये कौन डांस हो रहा है? यहाँ पे डांस हो रहा है शिवांश और सार्थक का। नागिन जिम करो। अरे तू चुतर के देखिए नहीं करे, उल्टी ना कर, गोड़ दुखा दे मम्मी, उल्टी ना कर दे। वैसे चलते हैं बाहर। बाहर निकली है मस्त वाली धूप और ठंड बाय-बाय हो चुकी है। हल्की फुल्की ठंड है बट हल्की फुल्की। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं नीचे, बाहर पेंट वगैरह फाइनल होने वाला है। और आज जाके कार्ड फाइनल हो चुका है और आज शाम को कार्ड भी हमें मिल जाएगा। कार्ड में हुआ क्या था ना, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो आज हम जाने वाले हैं, सबसे पहले मॉर्निंग उठे हैं और आज फाइनली कार्ड हमें छप के मिल जाएगा हमारे हाथों में रात को, मतलब शाम के टाइम में उन्होंने बोला है। उससे पहले सीन ये है ना कि आज हम लोग जा रहे हैं लड़की के लिए, मतलब हमारे होने वाले बहनोई मेहमान, उनके लिए कपड़े वगैरह बीध होता है ना, आपको पता है ये सभी रिचुअल्स होते हैं। तो उनके लिए कुछ सूट वगैरह है, वो सभी कुछ उनके लिए लेना है। तो आज वो भी आने वाले हैं, तो आज हम लोग जाएंगे हाजीपुर और वहाँ पे उनके लिए चूज होगा कपड़े। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ ना कि मेरी दाढ़ी काफ़ी बढ़ गई है, तो चलता हूँ थोड़ा दाढ़ी सेट करवा लेता हूँ और बाल वगैरह, क्योंकि अजीब से बिखरे बिखरे लग रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको बोला था कि मेरी दाढ़ी है ना वो मैं काफ़ी लंबा बढ़ाने वाला हूँ, देखते हैं कि वो बढ़ा पाता हूँ या नहीं बढ़ा पाता। तो मार्केट से निकल चुके हैं और अभी मैंने बाल दाढ़ी वगैरह सेट करवा लिया है। 11 बजने वाले हैं, हमें 11 बजे से निकलना था बट 11 बज गए क्योंकि सैलून में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। और क्या चेंजिंग हुआ था मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, बट आप कमेंट करके बताना कि क्या चेंजिंग लग रहा है। अभी घर पे और 11:03 हो गए, 11 बजे से दादी माँ ने बोला था कि जाना है और 11:03 तो मेरा यहीं पे हो चुका है। चलते हैं देखते हैं, वैसे कॉल नहीं आया घर से, इसका मतलब है कि लेट हुआ घर पे ही, नहीं तो अभी तक कॉल आ गया रहता घर से। पहुँच चुके हैं
और अब जा रहे हैं फ्रेश होने, नहा धोकर रेडी होने। वैसे भूख भी लगी है और यहाँ पे ये देख सकते हैं अकेले टूट पड़ी है खाने के लिए। क्या बात है, अरे क्या हो? नहीं खाए हैं? पति के खाने से पहले तुम खा रही हो? तो पति अब शाम को खाएंगे तो हम एक ही टाइम खाना खाए, हम तो दो टाइम खाएंगे ना। क्या बात, तो देखिए साढ़े ग्यारह, दाल मखनी, दाल, आलू पालक सबकी सब्जी है, रोटी है एंड चावल है। तो अभी हो चुकी है किचन की हालत अस्त व्यस्त क्योंकि शिवांश अभी अभी गया है और जब भी आटा इसमें रखा हुआ आता है, शिवांश अभी अभी गया है और पूरा अस्त व्यस्त करके गया है। बाकी सब्जी तो हमारी बन चुकी है, आलू गोभी मटर की प्यारी सी सब्जी और आटा भी सान दिया है, तो रोटी थोड़ी देर में बनाएंगे। बाकी चावल बन चुका है और स्पेशल बना है आज दाल पालक। दाल पालक शिवांश को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, पर पहले वो जितने मन से खाता था ना अब उतने मन से नहीं खाता है। और ये आटा शिवांश की वजह से ऊपर रखा हुआ है क्योंकि शिवांश ना नीचे चाह रहा था कि आटे से हम खीर। बाकी रूम में भी अभी साफ़ सफाई करनी बाकी है, झाड़ू सिर्फ लगा दिया है लेकिन सोच रही थी कि बेडशीट चेंज कर दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और शिवांश मम्मी के साथ नीचे घूमने गया है, बहुत परेशान करता है, जैसे ही किचन में आता है ना तबाही मचा देता है, सारा डब्बा डुब्बी इधर से उधर फेंक देता है। सबसे पहले आटा छूने जाता है, आटा देखता है कि है कि ऊपर जैसे खुला हुआ ऐसे बर्तन के लिए रखा रहता है आटा, तो वो लेके मतलब एक हाथ उसका पकड़ू तो दूसरे हाथ से पकड़ ही लेता है और छीट देता है पूरे में। कल छीट दिया था तो ये कालीन नीचे बिछी हुई थी वो वाला हटा दिए थे धोने के लिए। ए फैमिली, तो अभी सिर्फ बेडशीट चेंज करना था, तो मुझे कुछ सामान रखना था बेड के अंदर, तो मैंने ये वाला भी हटा दिया, ये पूरा ऊपर कर दिया, उसके बाद इसमें कुछ सामान रखना है, उसके बाद रख के और फिर ये रख दूंगी। और शिवो को बहुत मज़ा आ रहा है इसमें बैठ के खेलने में। शिवो ये गिर जाएगा बेटा, गिर जाएगा इसमें। शिवो को बंद कर, डिबंड बन कर दे बाबू 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 बाबू। तो शिवांश इसमें टैडी रख के सो गया आराम से, अब इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो ये निकल ही नहीं रहा है, इसी में सोना है इसको। बेटा हट जाइए ना, मम्मा को फिर से बेडशीट बिछाना है, इतना सारा काम है, हट जाओ ना शिवू, हट जाओ ना शिवू, चलो चलो निकलो 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 पे, शिवू छत पे, सर मिली, चलो पीपी पे, पीपी पे चलो ना, कहीं नहीं जाएगा अभी। एक पेंट हो रहा है और ये देख सकते हैं ये रूम काफी गंदा हो रखा था, वजह ये गाइस ये वाला रूम जो है ना काफी गंदा हो रखा था। काफी दिनों के बाद हम लोग डेढ़ महीने के बाद आए थे तो चारों तरफ धूल भी हो गई थी और साफ सफाई मतलब हो रही थी बट प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो आज एकदम प्रॉपर वाला साफ सफाई हुआ है। मैंने अपना वो क्या बोलते हैं टेबल वगैरह सबको साफ कर लिया है और ये देख सकते हैं। हाँ तुमने किया है? हाँ, और अब ये देख सकते हैं सभी और अच्छे ढंग से साफ सफाई की जा रही है। बेटर है कब कब सा दिए, देखो ये वाला जो है ना उन्होंने सैंपल दिया था ये ऐसे ही देखने के लिए। प्रेस वाले को कॉल करने वाले हैं, उन्होंने बोला था कि आपका मैटर अगर सब कुछ ओके होगा, उन्होंने सैंपल दिया था पन्ने में निकाल के, घर पे आप दिखा लेना नाम वगैरह सब कुछ सही है नहीं, तो सब कुछ हमने दिखवा लिया सब कुछ सही है, तो अभी उन्होंने कॉल किया है तो ये कॉल अभी लग रहा है। उनको उठाते हैं और बोल देते हैं कि आप प्रिंट कर दो। खुशी की बात ये भी है कि पूजा की इंस्टाग्राम पे 5 लाख फॉलोअर्स कम्प्लीट हो गई है टुडे। यस, इसी खुशी में मैं सफाई कर रही हूँ। वैसे पार्टी होगी शाम को, ये जा रहे हैं पार्टी करने मेरे इंस्टाग्राम। घर पे चल रहा है अभी पेंटिंग का काम और 4-5 दिन से पेंटिंग का काम चल रहा है और अभी 2-4-5 दिन और लगने वाला है। वैसे भी पूरा घर पेंट नहीं हो रहा है, अगर पूरा घर पेंट होता तो और लंबा टाइम लगने वाला था। बस आगे से ये देख सकते हो आगे से फ्रंट पेंट हो रहा है और जो ग्रिल वगैरह है ना ये वाला ये सभी अभी पेंट हो रहा है, बाकी इंटीरियर में वो सिर्फ जो हॉल है ना ये पेंट हुआ है, बाकी एक डाइनिंग हॉल और पीछे साइड से पेंट होने वाला है। और वैसे ये कंप्लीट है नहीं, अभी सिर्फ वाइट का चल रहा है, बाकी बर्फी ये सभी डिज़ाइन जितना भी है ना सभी पेंट होना है अभी, तो इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। और बस 10 दिन बचे हुए, 8 से 10 दिन बचे हुए शादी में और ये पूरा घर दूरा सब कुछ काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है।